तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं, बोया M1 की माइक की अनबॉक्सिंग करके, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन माइक है, चीपेस्ट माइक बोल सकते हैं, ज़्यादा बजट नॉर्मल बजटेड वाला है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, वी ब्लॉगर हैं, या अगर आप कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माइक होने वाला है। ये सिंपली आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके चला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस माइक है, तो उसके बारे में अनबॉक्सिंग करके, उसके रिव्यू करके एंड एक एक चीज़ बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है। तो आपको एक परफेक्ट बात बताऊंगा जो आपको शायद किसी ने बताई नहीं। तो ये एक्चुअल मोबाइल में सपोर्ट किसी किसी में करता है और किसी किसी में नहीं करता। तो जिस मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए क्या करें, मोबाइल में या डिफॉल्ट कैमरे की ऐप में सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए क्या करें, वो भी आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आप ये देख लीजिए, ये बोया M1 माइक जो कि मैं अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया था, ये मेरे को 819 रुपये के समथिंग पड़ा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं जाके। तो इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो परफेक्ट प्राइस नहीं होता, कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो रही प्राइस की बात। तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो को, ज़्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेटेक्स में। तो दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप, ये रहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग लिखी हुई है, यहाँ पर बोया की सील लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने फ्रंट में। एंड देन यहाँ पीछे की तरफ आएंगे तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है क्या क्या है, और इसका प्राइस देख लेते हैं कितना लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर प्राइस लिखा है 995, आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है ये MRP 995, उसकी MRP लिखी हुई है। तो कर लेते हैं दोस्तों जल्दी अनबॉक्सिंग, ये सब कुछ छोड़ के। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले इसको जब अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसमें एक लेदर का बैग निकला है, एंड देन इसमें बोया प्रिंटेड है, तो इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। यूजर मैनुअल दिया गया है इसके अंदर, कैसे क्या यूज करना है आपको, तो ये इसको भी रख लेते हैं फिलहाल साइड में। एंड देन वारंटी के लिए ये वारंटी का बुक दिया गया है, तो ये सबको कर लेते हैं साइड। तो और कुछ नहीं है इसमें, ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसको कर लेते हैं साइड। तो अब कर लेते हैं इसको अनबॉक्सिंग, इसको कर लेते हैं ये बाहर। तो दोस्तों ये हेड पूरा के पूरा ये माइक दिया गया है, जो देख सकते हैं आप, ये पूरा माइक दिया गया है। बहुत लंबी वायर है इसकी, जो कि पहले से ही आपको पता होगा, क्योंकि इतनी लंबी वायर है जिससे आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं और दूर लेंस से भी बना सकते हैं। देन इसके अंदर ये दिया गया है, ये कोई काम का है नहीं, और ये यहाँ पर दिया गया है मेन काम की चीज़ें, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट अनबॉक्स। तो मेनली ये दिया गया है बड़े, अगर आप चाहते हैं एम्पलीफायर में या कहीं डीजे वीजे में कनेक्ट करना तो आप इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको रख लेते हैं फिलहाल, अपने काम का है नहीं। एंड देन ये पिन दिया गई है जिससे आप अपने उसको शर्ट पे जहाँ पर आपको उसको लगाना है तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं फिलहाल साइड। एंड देन ये पाउच दिया गया है या कवर बोल सकते हैं आप उसको, जिसके थ्रू वॉइस की जो क्वालिटी है और जो बेस्ट हो जाती है ये आप माइक पे लगा सकते हैं, तो इसको भी रख लेते हैं फाइन। एंड देन ये एक सेल दिया गया है, सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा ये सेल दिया गया है। ये सेल जब लगाते हैं, जब आप उनको ये स्मार्टफोन के अलावा आपको कैमरे में कनेक्ट करना हो तो ही इसको लगा यूज़ होता है, नहीं तो इसका यूज़ नहीं होता। तो फिलहाल रख देते हैं इसको साइड, तो उसको यूज़ भी बता दूंगा कैसे उसको लगाते हैं, तो फिलहाल अपने मतलब का है नहीं, तो इसको कर लेते हैं फटाफट। ये हो चुकी है दोस्तों अनबॉक्सिंग। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है इसको, ये देख सकते हैं ये कवर है, इसको यहाँ पर लगाना है आपको। एंड देन जो ये दिया गया है इसको आपको यहाँ लगाना है, ये नीचे देख सकते हैं आपको, यहाँ नीचे गैप दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, तो इस गैप के अंदर आपको यहाँ पर इसको फिक्स कर लेना है, जो कि ऐसा फिक्स हो जाएगा। तो अब आप अगर आप कैमरे में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ से करना होगा, सेल के लिए आपको यहाँ पर राउंड करके इसको खोलना होगा। खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेल के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो सेल मैंने आपको बताया था, जो सेल साथ में आया है, तो आपको उसको यहाँ से सेल को निकाल के यहाँ पर उसको इंस्टॉल करना होगा। देन आप इसको सिंपली बंद कर देंगे। एंड देन अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आपको फोकस में आ रहा होगा देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कैमरा स्मार्टफोन
कैमरा एंड ऑफ स्मार्टफोन। अगर आप कैमरे में करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ अप करना पड़ेगा, और अगर आप स्मार्टफोन पे करेंगे तो आपको नीचे की तरफ उसको करना पड़ेगा, तो ही ये यहाँ पर चलेगा। तो ये फोकस में नहीं आ रहा, तो आप समझ जाइएगा ऊपर कैमरा लिखा हुआ है, नीचे ऑफ और स्मार्टफोन। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, जब कैमरा कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं इसको बता देता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जो आपको अभी आवाज़ आ रही होगी ये नॉर्मल है, या मेरे कैम मोबाइल में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है और ये नॉर्मली आवाज़ आ रही होगी। तो आप आपको बता देता हूँ फ़र्क कैसे पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ में ही है, तो ये अभी कुछ ली कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं कर लेता हूँ उसको कनेक्ट, फिर आप देखिएगा वॉइस में कुछ फ़र्क पड़ता है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं कर लेता हूँ उसको कनेक्ट। तो अब ये दोस्तों हो चुका है कनेक्ट। तो आप देखिएगा वॉइस में कुछ आपको लग रहा होगा, कुछ चेंजेस आए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चल रहा होगा यहाँ कुछ चेंजेस आए हैं। तो मुझे वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा, तब सॉरी वीडियो एडिट करूँगा, तो ही मुझे समझ में आएगा कि चेंजेस आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइक को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, ये मैंने माइक यहाँ लगा लिया है। थोड़ा टी शर्ट की वजह से सही लगा नहीं है, तो मैं उसको सही लगा लूँगा दोबारा। तो आप ये देखिएगा माइक को यहाँ पर लगा लिया है, जो कि वॉइस क्वालिटी आपको पता चल रही होगी कैसी चेंज आ रही है, और जो प्रीवियस वॉइस क्वालिटी जो कि मैंने नॉर्मली नॉर्मल हेडफोन से रिकॉर्डिंग करके बनाई थी, जो कि सिंपल था, अब मैंने जाके ये लिया है। तो अब मैं इसलिए फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आवाज़ की क्वालिटी आपको यहाँ पता चल रही होगी। तो दोस्तों ये था रिव्यू। तो आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और एक चीज़ हो रही है, कभी कभार क्या है, डिफ़ॉल्ट जो कैमरा की ऐप है वहाँ नहीं चलता है। अगर आपका वहाँ वर्क नहीं कर रहा हो तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, या ऐप डाउनलोड करनी होगी ओपन कैमरा करके, जो कि 3-4 MB की ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूज़ करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर सपोर्ट कर लेगा। तो आप ये करके देखिएगा, अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मुझे पूछ सकते हैं तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये बाय करना हो तो मैंने जो कि पहले ही बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, अमेज़न के थ्रू मैंने मंगवाया था। तो यकीन है दोस्तों कि मुझे ये वाली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।